हेलो गाइस, गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में आए हैं दो दो सुपर हीरो और उनके साथ में आई है उनकी टीम। और जिसकी भी टीम गाइस आज जीतेगी ना, ये सूट सिर्फ उसी को मिलेगा। तो मैं आपको मिला देता हूँ। एक तो हमारे योडा हल्क आए हैं अपने चार चार सुपर हीरो और चार चार सुपर बाइकों के साथ में दोस्तों, और दूसरे पे नंबर पे आते हैं हमारे फ्रैंकलिन। तो चलिए गाइस आपको मैं फ्रैंकलिन से भी मिला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी चार चार सुपर हीरो और चार चार बाइकों के साथ में आए हैं, जिनके साथ में सुपर बाइकें हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कौन जीतेगा, योडा हल्क जीतेगा या फ्रैंकलिन जीतेगा। तो मैं आप सभी को रैंप दिखा देता हूं जिसके ऊपर से इन्हें गुजर के जाना है दोस्तों। तो इस रैंप पे अगर होते हुए यहां से विंड व्हील के पास कर, तो ये देखिए दोस्तों, ये विंड व्हील इतने ज़्यादा खतरनाक है कि जो इनसे टकरा गया ये नीचे फेंक देंगे उसको या काट देंगे दोस्तों। तो आज का ये मैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और मतलब डरावना होने वाला है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से सीधा जंप लगाना, और ये देखिए कितना ऊँचा उठा हुआ है। अगर जंप लगाया तो मतलब रुक भी नहीं सकता, सीधा बंदा सामने गिर सकता है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से होते हुए जाएंगे दोस्तों इस तरह से, देखिए। और यहाँ से ये तुम क्या बोलते हैं, ये देखिए क्या बोलते हैं, डुपल गैंगर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। और डुपल गैंगर की नज़र जिस पे पड़ी वो उसको गोली से मार देगा। उसके बाद यहाँ से सीधा जंप करके दोस्तों यहाँ पर उतरना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपकी उसकी ऊंचाई दिखा देता हूँ कितनी ऊंचाई है। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। चलो भाई योडा हल्क अपना बंदा भेजो। ठीक है भेजता हूँ टॉनी सर, जा रहा है मेरा बंदा। मैं जीतेगा अभी जीत के दिखाएगा तुमको, बस देखते जाओ। हाँ जरूर जीत गया ना। तो देखते हैं दोस्तों इसका बंदा जीत पाएगा, यानी काफी उम्मीद के साथ में बोल रहा है योडा हल्क का बंदा कि मैं जीत के दिखाएगा। तो देखते हैं भला ये जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो दोस्तों आप भी देखते रहो, और वीडियो आपने लाइक नहीं किया अभी तक भी तो जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों जल्दी से। तो देखते हैं ये विंड व्हील के पास कर तो बहुत ही आराम से निकल चुका है दोस्तों। ये काफी आराम आराम से गुजरता हुआ जा रहा है, मुझे लगता है दोस्तों ये जीत भी सकता है। अरे यार देखा दोस्तों, अरे दोस्तों मैंने बोला था ना कि मतलब यहाँ से गुजरना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों ये तो मारा गया इसका एक बंदा। तो चलो अब हमारी टीम में से जाएगा फ्रैंकलिन की टीम में से जाएगा एक बंदा। हे फ्रैंकलिन जल्दी से अपना बंदा भेजो। ठीक है टोनी सर भेजता हूँ। हे भाई जल्दी से जाओ, और जीत कर ही आना है, समझ गए? हाँ जीत के ही आएगा। तो देखते हैं भाई हमारा बंदा जा रहा है, मैं फ्रैंकलिन, हमारा बंदा जीत पाएगा या नहीं। अगर आप फ्रैंकलिन की मदद करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों अगर तुम फ्रैंकलिन की मदद करना चाहते हो तो कर देना। देखते हैं दोस्तों फ्रैंकलिन का बंदा भला जीत पाएगा या ये भी हार जाएगा। तो आप बस बने रहिए वीडियो पे, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखते। मैं आपको भी आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आ रहा है तो कॉमेंट में यस लिख दो जल्दी से। तो दोस्तों देखते हैं भला ये किस तरह से इस रैंप को पार करता है, क्योंकि योडा हल्क का बंदा तो बहुत ही आसानी से नीचे गिर गया था, बाकी वो काफी आगे तक पहुंच गया था। योडा हल्क का बंदा सामने तक पहुंच गया था, देखते हैं ये भी वहीं तक पहुंच पाएगा या इससे आगे, मतलब ये क्रॉस कर देगा या जीत जाएगा इस मैच को। तो बस देखना यही है, तो चलते हैं हम। मैं जीत जाएगा टोनी सर। हाँ देखते कौन। अरे बाप रे, वाकई में इसने तो काफी आराम से जंप करा दोस्तों, और बहुत ही केयरफुली एकदम रुक गया ये। अब देखते हैं कि सामने मतलब ये किस तरह से डुपल गैंगर से बच पाएगा या डुपल गैंगर इसको जान से मार देगा, देखते हैं दोस्तों। मैं जिम करता है, मेरी बॉडी बहुत तगड़ी है। हाँ देखते। अरे बाप रे डुपल गैंगर जा रहा है। ए, मैं तुझे जान से मार दूंगा, यहाँ से गुजरने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम डुपल गैंगर है। अरे दोस्तों ये देखिए डुपल गैंगर इसके गोलियां मार रहा है, और अब मुझे भागना होगा जिससे पहले ये डुपल गैंगर मुझको मार दे। अरे दोस्तों ये देखिए ये बंदा कितनी ही स्पीड से यहाँ से निकल गया, तो बहुत ही चालाक बंदा है। डुपल गैंगर से बचते हुए यहाँ से भाग गया दोस्तों, और ये फाइनली फ्रैंकलिन का। अरे बाप रे कितनी जोर से लगा, फ्रैंकलिन का फर्स्ट बंदा जीत चुका है। शाबाश फ्रैंकलिन, तुम्हारा एक बंदा जीत गया है। योडा हल्क अब तुम्हारा नंबर आता है, जल्दी से अपना दूसरा बंदा भेजिए। ठीक है सर भेजता हूँ, जाओ भाई जीत कर ही आना है, समझ गए? हाँ सर मैं जीत कर ही आऊंगा, तुम दिक्कत मत लेना। जाओ जल्दी जाओ। हाँ तो दोस्तों देखते हैं कि अब योडा हल्क का दूसरा बंदा जाते हुए, देखते हैं दूसरा बंदा योडा हल्क का जीत पाएगा या नहीं। फ्रैंकलिन का तो एक बंदा जीत चुका है, अब बारी योडा हल्क की चल रही है। अगर आप चाहते हो योडा हल्क का बंदा जीते तो कमेंट में यस लिख दो, नहीं चाहते तो नो भी लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि योडा हल्क का बंदा भला इस रैंप को पार कर पाएगा या ये यहीं पर मतलब गिर जाएगा दोस्तों। तो देखना यही है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच में इस गेम में, आपको भी आ रहा होगा। तो देखते हैं भला यहाँ से किस तरह से जंप लगाता है। अरे वाह,
अरे दोस्तों, अरे अरे वाह, इसने तो काफ़ी अच्छा जंप लगाया दोस्तों। हाँ मतलब देखते हैं ये आगे तला कहाँ तक इस रैंप को पार कर पाएगा दोस्तों। बाकी काफ़ी केयरफुली जा रहा है ये, और सामने देखते हैं ये ब्रेक लेगा या सामने इससे रुका नहीं जाएगा दोस्तों। अरे वाह, अरे दोस्तों ये तो यहाँ काफ़ी केयरफुली रुक गया। मुझको लगता है दोस्तों योडा हॉल का ये पहला दूसरा बंदा जीत जाएगा, पहला तो हार गया था। मतलब फ्रैंकलिन और योडा हॉल के समय बराबर के मैचेस, मतलब बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए दोस्तों मैं जीत गया। अरे योडा हॉल का भी एक बंदा जीत चुका है फ्रैंकलिन, तुम्हारा भी एक, तो इस समय भी मैच बराबर में चल रहा है। फ्रैंकलिन अपना बंदा भेजो जल्दी से। ठीक है सर, भेजता हूँ। हे भाई तुम भी जीत कर आना जैसे वो पहले जीता था। ठीक है सर, जीत के आएगा। हाँ तो देखते हैं दोस्तों के फ्रैंकलिन का दूसरा बंदा भला क्या करता है। फ्रैंकलिन का दूसरा बंदा जा रहा है जैसे योडा हॉल का दूसरा जीता था, और फ्रैंकलिन का देखते हैं दूसरा जीत पाएगा या नहीं। योडा हॉल का तो पहला हार गया था ना, तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या होने वाला है। तो ये भी काफ़ी केयरफुली यहाँ से निकलते हुए जा रहा है वेंडविल के पास से। देखते हैं भला ये टकराएगा, ये बच जाए। अरे वाह दोस्तों, ये तो बच गया। चलो खैर देखते हैं, सामने वाला जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रैंप में, ये जो ना दोस्तों यहाँ पर चढ़ाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखते हैं भला यहाँ पर किस तरह से जंप लेता है दोस्तों, ये जंप सही से ले पाएगा या ये यहीं पर गिर जाएगा। अरे यार ये तो पीछे को लेकर एकदम सामने जंप मारा दोस्तों। वाह, अरे दोस्तों अभी गिरने ही वाला था ये, और इसने बहुत ही केयरफुली एकदम रोक लिया बाइक को, बहुत ही अच्छा किया इसने। तो देखते हैं भला ये फ्रैंकलिन का, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे दूसरा बंदा भी फ्रैंकलिन का जीत जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं भला ये जीत पाएगा या नहीं। अरे वाह दोस्तों, फ्रैंकलिन का दूसरा बंदा भी जीतते हुए। मैंने बोला था ना मैं जीत जाएगा। अरे दोस्तों वाह, फ्रैंकलिन तेरे दो बंदे जीत चुके हैं। और बाप रे इसकी कितनी जोर से लगी। फ्रैंकलिन तेरे दो बंदे विनर हो चुके हैं, अब योडा हॉल की बारी है। अरे वाह, मेरे तो सारे के सारे बंदे जीतते जा रहे हैं, योडा हॉल तो हारेगा। ए फ्रैंकलिन चुप हो जा, मेरे बंदे भी जीतेंगे। चलो भाई तीसरा बंदा, चलो जल्दी से। ठीक है सर, मैं जाता हूं, मैं जीत के आएगा। हाँ जरूर जीत के आना। हाँ तो दोस्तों देखते हैं कि योडा हॉल का तीसरा बंदा जाते हुए, और इस गेम में तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटेडमेंट हो रही है देखने की, क्योंकि लास्ट में कौन विनर बनेगा और कौन लेगा ब्लू स्टील आयरन मैन को दोस्तों। तो बस आप भी टिके रहिए इस वीडियो पर, मैं भी इस वीडियो को देख ही रहा हूँ, आपका टोनी स्टार्क आपके साथ इस वीडियो को देख रहा है, आप भी देखते रहना, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, देखते रहो। अरे बाप रे दोस्तों, ये देखिए योडा हॉल का तीसरा बंदा कितनी जोर से कर रहा है। अरे दोस्तों योडा हल्क का तीसरा बंदा बहुत ही बुरी और खतरनाक मौत मरा है दोस्तों। अब देखते हैं फ्रैंकलिन का बंदा क्या करेगा। हे भाई जीत के आना है, तुझको भी समझ गया भाई। हाँ तो दोस्तों देखते हैं कि फ्रैंकलिन का बंदा भला इस तीसरे, मतलब तीसरा बंदा फ्रैंकलिन का जीत पाएगा या ये हार जाएगा दोस्तों। बाकी अभी तक तो लगातार फ्रैंकलिन के दो बंदे विनर हो चुके हैं, अब देखना इसका है कि भला ये किस तरह का निकलता है दोस्तों। तो काफ़ी स्लो इसने भी मतलब दिखा रहा है दोस्तों, ये भी अपनी जो काफ़ी स्लो इसने मोड़ा यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं दोस्तों ये भी कहीं जीत ना जाए। अगर आपको क्या लग रहा है वैसे कॉमेंट में आप अपनी राय बता सकते हो, आपको लग रहा है ये जीत सकता है तो आप यस भी लिख सकते हो, और नहीं लगता है तो नो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अरे बाप रे दोस्तों, ये तो कितनी बुरी मौत मरेगा। अरे अरे बाप रे इसको तो, अरे यार ये क्या कर दिया भाई तूने, तू तो मर जाएगा। अरे दोस्तों ये देखिए फ्रैंकलिन तेरा तीसरा बंदा हार चुका था भाई। चल खैर कोई नहीं, अब मैंने यहाँ से रैंप चेंज कर दिया है मतलब दो बंदों के लिए। तो इस रैंप पे अगर तुम्हें होते हुए सीधा मेज बैंक के साइड से, मतलब ये रैंप जा रहा है और मेज बैंक के बिल्कुल नीचे जाके एकदम उतर रहा है, तो तुम्हें वहाँ तक इसको मतलब यहाँ से जाते होते हुए जा रहा है ये इस तरह से, और तुम्हें यहाँ से इसको नीचे बिल्कुल पार करना है दोस्तों। ये देखिए मैंने तुम्हें दिखा दिया है, तो अब तुम्हारा मतलब फ्रैंकलिन का भी एक बंदा तुमसे आगे चल रहा है योडा हॉल, तुम्हें इस तरह से देखना है, देखना। ठीक है, अब मेरा ही बंदा जाएगा, ये जरूर जीत के आएगा। हाँ देखते हैं कि योडा हॉल का बंदा जीत पाएगा या हार जाएगा दोस्तों। बाकी इनका मैच अभी एक बंदे से पीछे चल रहा है। अरे बाप रे दोस्तों, अभी बच गया ये, वरना कूद जाता है तो नीचे ही। बाकी एक मैच अभी पीछे चल रहा है, अब तो मतलब ज़्यादा ही एक्साइटेडमेंट हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये मैच बिल्कुल फाइनल पे चल रहा है। अरे बाप रे ये क्या, अरे किसी को नहीं पता, जल्दी से जाके ना, गिराने में तो बच गया। अरे बाप रे दोस्तों, वो तो बच गया ये बंदा, गिराने अगर ये गिर जाता तो योडा हॉल तो यहीं पर हार जाता। चलो खैर कोई नहीं, देखते हैं फिर भी ये कहां तक पार करेगा इस रैंप को। तो काफ़ी मतलब होशियार सा लग रहा है दोस्तों, इसने बाइक को गिरने नहीं दिया और काफ़ी आराम से जा रहा है, मतलब काफ़ी स्पीड में भी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बंदा। और देखिए दोस्तों कहाँ किस तरह से बाइक को ऊपर चला देता है, बिल्कुल देखिए काफ़ी खतरों का खिलाड़ी लग रहा है। मुझे लगता है दोस्तों पहले ये राइडर रह चुका है। हाँ मैं पहले राइडर था,
मेरे पापा भी राइडर थे। अच्छा अच्छा, इसके पापा भी पहले राइडर हुआ करते थे दोस्तों कभी। अरे बाप रे, इस राइडर का तो नाश ही हो गया दोस्तों। ये देखिए कितनी बुरी मौत गिराए गरीब। अरे यार फ्रैंकलिन, चलो तुम्हारा बंदा बचाए लास्ट। ए भाई जीत के आना। जीत के आएगा। अरे वाह यार, इसकी तो आवाज काफी इंटरेस्टिंग है। चलो खैर देखते हैं ये भला जीत पाएगा या नहीं। दोस्तों फ्रैंकलिन का लास्ट बंदा बचा हुआ है, बस यहाँ पर ही मैच फाइनल हो जाएगा। देखते हैं भला किसका बंदा जीत पाएगा और कौन लेकर जाएगा इस ब्लू स्टील सीट को। यार कितना ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड मैं वो लग रहा है यार मैच मुझको तो। ये दोस्तों आपको भी लग रहा होगा, मुझे जरूर उम्मीद है आपसे। आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से स्पैम कर दो, पार्ट 2 लिख दो जल्दी कॉमेंट में फटाफट जल्दी जितना हो सके। और फ्रैंकलिन ओपी लिख सकते हो, ये जोड़ा कॉपी आप किसके फैन हो, या आयरन मैन ओपी या टोनी स्टार्क ओपी कुछ भी लिख सकते हो जिसके आप फैन हो। तो देखते हैं दोस्तों ये कहां तक इस रैंप को पार करेगा। अरे बाप रे, ये तो जीत गया। सो फाइनली दोस्तों हमारा फ्रैंकलिन आज के इस मैच को जीत चुका है और योडा हल्क हमारे बेचारे हार चुके हैं। तो आज के ब्लू स्टील सीट मिलने वाला है फ्रैंकलिन को और योडा हल्क को मिलेगी मौत दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, नहीं किया अभी तक भी तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी। अरे वाह दोस्तों, ये देखिए मजा ही आ गया। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। फ्रैंकलिन को ये सूट मिल गया, ये मजा आ गया। और ये जो आपके सामने वीडियोस आएंगे, आप इनमें से कोई वीडियोस पर क्लिक करके इन वीडियोस का मजा ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे पार्ट 2 में दोस्तों, अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।